हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई, लेसन नंबर वन, धरती का आंगन महके, क्वेश्चन आंसर। शब्द वाटिका, सलाका सलाई, आंकना अंदाजा लगाना या मूल्य बताना, पैमाना नाप तोल या मापदंड, मेधा बुद्धि, आवृत ढका या लौटाया हुआ, वसुधा धरती या अवनि धरा। क्वेश्चन नंबर पहला, सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, कवि की अपेक्षाएं। उत्तर, कवि की अपेक्षाएं। पहला, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरा, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वहां धान की भरपूर फसल हो। तीसरा, शिल्प कला खूब विकसित हो। चौथा, यह धरती फलों फूलों से हरी भरी हो। क्वेश्चन नंबर दो, कृति पूर्ण करो। पहला है, धरती का आंगन इनसे महके। उत्तर, पहला कर्म ज्ञान से और दूसरा विज्ञान से। क्वेश्चन दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। उत्तर, फूलों से और फलों से। क्वेश्चन नंबर तीन, पहला मेधा की ऊंचाई नापेगा। उत्तर, प्रतिभा का पैमाना। दूसरा है, हम सब मिलकर करें। उत्तर, जयगान से वसुधा की अर्चना। क्वेश्चन नंबर चार, कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। उत्तर, चंद्रलोक और मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर पांच, भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर, पहला है शरीर, शरीर का तन। वाक्य है, हमें मातृभूमि के लिए तन मन धन न्योछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, मनुष्य, मनुष्य का मानव। वाक्य है, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तीसरा, पृथ्वी, पृथ्वी का धरती। इसका वाक्य है, धरती हमें धन धान्य देती है। चौथा, छाती, छाती मीन्स सीना। इसका वाक्य है, कर्मवीर धरती का सीना चीरकर खनिज निकालते हैं। पांचवा, पथ, पथ मीन्स मार्ग। इसका वाक्य है, दृढ़ निश्चय का मार्ग कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। क्वेश्चन नंबर दो, पाठ में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, मैं कल महाबलेश्वर जाऊंगा। दूसरा, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तीसरा, तुम परीक्षा की तैयारी करने कल हमारे घर आ रहे हो ना। चौथा, वे जिन्हें कल सम्मानित किया गया है वे मेरे पिताजी हैं। पांचवा, उन्हें मैं अभी आ रही हूँ, उन्हें आराम से बिठाओ। छठा, मैंने एक कविता लिखी है। सातवा, आपको अध्यक्ष पक्ष के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। उत्तर, मैं एक छाता हूँ, आज मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे। कुछ रंग बिरंगे थे, कुछ केवल एक ही रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। कुछ दिन बाद वहीं बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज गड़गड़ाहट सुनी। घने बादल घिर आए, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। बारिश अभी भी हो रही थी पर वह नहीं भीग रही थी। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसे खुशी दे सकता था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती है, सदा मुझे अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सात, मैंने समझा।
बुरे कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से कार्य करने वालों को सम्मान प्राप्त होता है। अतः हमें हमेशा सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। घमंड से व्यक्ति का सिर नीचा होता है तथा विनम्रता से सिर झुकाने वाला व्यक्ति आसमान की बुलंदी को छूता है। क्वेश्चन नंबर 8, कविता का भावार्थ। इसे आप स्वयं पढ़े और लिखें। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।